रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो स्पेशली फाइबर के ऊपर है और कई दोस्तों के कमेंट्स मैंने पढ़े, कई लोगों के मैसेजेस आते हैं जिनके ऊपर मैं क्या कहूँ यार, उसके बारे में थोड़ा सा ना ब्रीफ करने के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है कि हम इसको ब्रीफली यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा आज फाइबर के। इसके भी आप ऑर्डर किस तरह से ले सकते हैं, ऑर्डर लेने का तरीकाकार मतलब क्या है, आप किस तरह से गेन कर सकते हैं, क्लाइंट को ग्रैब किस तरह से कर सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या होगा, हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसके रिलेटेड आज बात करेंगे, ठीक है। और फिर से अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें और ईजी एक्सेस हो ना आपको। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो यार लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो, कुछ नहीं होगा, खैर है, ठीक है। अच्छा, तो एक तो चीज़ फाइबर पे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक्टिव रहना क्या है? मतलब हमने अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन रखा हुआ होता है जी फाइबर को, तो ब्राउज़र के अंदर सिर्फ ओपन रखना जो है हम इसको एक्टिव रहना नहीं कह सकते। एक चीज़ तो ये है, एक्टिव रहना क्या है, एक्टिव रहना ये है कि हमने फाइबर को ओपन किया हुआ है, हम उसकी बाय रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करके देखते रहते हैं कि बाय रिक्वेस्ट आई हुई हैं या नहीं आई हुई हैं। नया जो नया अकाउंट होता है बिगिनर वाला, उसके ऊपर तो ज़ाहिर बात है हर वक्त नहीं शो हो रही होती हैं, किसी किसी वक्त शो होती हैं मुख्तलिफ मखसूस औकात के अंदर, ठीक है। आपके गिग के रिलेटेड, आपके स्किल सेट के रिलेटेड, लाजमी नहीं है कि सबको सेम टाइम में शो होंगी कि मेरा रियल इस्टेट की फील्ड है तो मुझे अगर 9 से 10 के दरमियान मिसाल की बात है अगर शो हो रही हैं, तो आपकी अगर सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो आपको भी उसी टाइम में शो हो आपकी जो बाय रिक्वेस्ट हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, हमेशा डिफरेंट होगा आपके क्लाइंटेज के हिसाब से, किस स्किल सेट के क्लाइंट्स क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं उसके रिलेटेड, ठीक है। दूसरी चीज़, एक तो चीज़ आपको ये अपने बाय रिक्वेस्ट को जो रिफ्रेश करते रहना, दूसरी चीज़ ज़्यादा बिड करना, बिड करना मतलब ऑफर भेजना, आपने अपने जो बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं उनके ऊपर ऑफर्स भेजनी है और कोशिश करनी है कि 10 ऑफर्स होती हैं डेली की फ्री वाली, तो आप डेली के कम अज़ कम यार 4 से 5 ऑफर्स तो भेजो ना, एक ये आइडिया जहन में बिठा लें आप लोग, अगर आप 4 से 5 ऑफर्स जो हैं वो डेली की भेज रहे हैं तो उम्मीद होती है कि आपको जो है ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्डर क्यों मिल जाएगा कि आप एक तो एक्टिव हैं, आप उसके अलावा क्लाइंट्स के साथ रबते के अंदर है, मतलब आप प्रपोजल्स भेज रहे हैं, कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा। और जो एक दो और चीज़ होती है, अक्सर लोग करते हैं कि यार बाय रिक्वेस्ट आई है, देखा कि इस पे 50 या 60 प्रपोजल्स चलेंगे, ऑफर साथ लिखा हुआ रहा होता है ना कि जी ये 50 से 60 जो है ये ऑफर्स जा चुकी हैं, तो उस पर आप ऑफर नहीं भेजते, ये चीज़, ये गलती कभी ना करें। 50-60 अगर आई भी हैं, उस पर गई हुई ऑफर, तो नो इशू यार, इसमें कोई इशू वाली बात तो नहीं है, 50-60 आई हैं कोई मसला नहीं है, आप इजी हो गए उसके ऊपर बिड करो, उसके ऊपर प्रपोजल भेजो, ऑफर भेजो। क्यों भेजो कि यार उस क्लाइंट ने वेरीफाई करके ही किसी ना किसी को सिलेक्ट करना है ना, वो हो सकता है 10 बंदों के साथ इंटरव्यू करे, उसमें से आपका नंबर भी हो सकता है, 100 या 150 रिक्वेस्ट गई हुई है, ऑफर गई हुई है, तो उसमें से अगर उसमें 150 में से भी किसी एक को चूज़ करना है ना, अगर एक आपकी भी गई हुई ऑफर तो हो सकता है ना उसके अंदर वो आपको चूज़ कर ले, तो ये गलती नहीं करनी कि यार ऑफर ना भेजें, है तो हमारे स्किल सेट के रिलेटेड हमें काम समझ में आ रहा है लेकिन ऑफर ज़्यादा चली गई हैं, तो ये कभी नहीं गलती करनी, हमेशा ऑफर भेजनी है जो आपको जॉब पोस्ट समझ आ रही है, जो प्रपोजल प्रोजेक्ट आपको समझ आ रहा है उस पर लाजमी ऑफर भेजें, उस पर लाजमी बिड करें, और ये लाजमी नहीं कि सिर्फ फाइबर के लिए, अपवर्क पे भी करें, आप किसी और जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी अगर आपका अकाउंट है, आईडी है, प्रोफाइल है, तो वहाँ पर भी आप इसी तरह से बिड लाजमी करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ज़रा जाके दिखा भी देता हूँ ऑफर्स वाले सेक्शन में, ऑफर आ रही होती हैं जो बाय रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, तो उसके ऊपर हम किस तरह से जो वेरीफाई कर सकते हैं कि इसको हम भेजें या ना भेजें। अगर मोबाइल पे होते हैं तो साथ शो रहा होता है कि इसकी कंट्री कौन सी है, कहाँ से, इसका नेम भी साथ शो रहा होता है हमारे क्लाइंट का, लेकिन कंप्यूटर पर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर नहीं शो रहा होता, तो उसमें हमें वेरीफाई ईजिली कैसे कर सकते हैं, उसको हम यही देख सकते हैं कि ऑफर्स कितनी गई हुई हैं, क्लाइंट की जो है इसका बैकग्राउंड क्या, जब हम ऑफर को भेजते हैं तो उसके बाद हमें उसका जो है सेंट ऑफर्स के अंदर जाके सारी डिटेल जो मिल जाती होती है, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आपको एक तो चीज़ बता दी कि आपने एक्टिव किस तरह से रहना है, आपने उसको रिफ्रेश करते रहना, ऑफर्स भेजते रहना है, ये एक माइंड में बात रखनी है, अगर आप ऑफर्स भेजते रहेंगे तभी आपको फायदा होगा। दूसरा, आपने अपनी प्रोफाइल को शेयर करते रहना, कोशिश करना है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उन पेजेस को, उन लोगों को, अपने जो क्लाइंट हैं आप उनको फॉलो करें, उनके ऊपर उनको रिक्वेस्ट भेजें, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जो ग्रुप्स आपकी फील्ड के रिलेटेड हैं, आपकी स्किल सेट के रिलेटेड हैं, आपकी क्लाइंट है जहाँ से हो सकती है, आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है। अब ऑडियंस आपके कौन से, अगर रियल एस्टेट में आप कर रहे हैं तो आप रियल एस्टेट ग्रुप्स ज्वाइन करें फेसबुक के ऊपर, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, सॉरी पेजेस पे तो आप नहीं जाएंगे ना, ग्रुप्स में जाएंगे, तो आप ग्रुप्स वो वाले ज्वाइन करें रियल एस्टेट के। आप रियल्टर्स को सर्च करें इंस्टाग्राम के ऊपर, रियल्टर्स को फॉलो करें, उनको डायरेक्ट मैसेज भी करें, यानी कि आई एम रियल एस्टेट वीए, आई कैन हेल्प इन, आगे जो आपके स्किल सेट है, जो आप टास्क जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप टास्क जो कंप्लीट कर सकते हैं उनके ऊपर,
आप वो एक मैसेज बना के भेजें और सबको सेम वर्डिंग ना करें, थोड़ा सा डिफरेंट करते जाएं, यानी कि आपकी सेंस वही हो लेकिन आपका वर्डिंग जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहे, तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जब वर्डिंग चेंज होती रहती है तो आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी ये ब्लॉग नहीं करता। अगर आप सेम वर्डिंग में रहते हैं तो आपको मसला होता है। आप लिंक पोस्ट बहुत कम करें, यानी कि अगर आप लिंक पोस्ट करते हैं तो फेसबुक तो आपको क्लियर कट बैन कर देता है ना, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, पहले कुछ दिनों के लिए, फिर ज़्यादा दिनों के लिए, फिर आईडी भी बैन हो सकती है। सो उससे बचना है, उस तरफ ना जाएँ, ठीक है, उससे लाजमी बचें और इधर ही रहें, जो अपना आपका है क्या उसको कहते हैं, लिंक ना पोस्ट करें, या एक या दो मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर आप एक दिन के अंदर जो है लिंक पोस्ट कर सकते हैं, इसके ज़्यादा, इसके अलावा ज़्यादा नहीं पोस्ट करना है, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरा मैं आपको भी दिखा देता हूँ फाइवर के ऊपर जाके, स्क्रीन के ऊपर, के किस तरह से हमने इसको प्रॉपर तरीके से जो है उसको एक्टिव रखना है, प्रपोजल भेजना है, वेरीफाई करना है क्लाइंट ठीक है नहीं ठीक है, उसको हम भेजें या ना भेजें ऑफ़र, ठीक है। तो चलें ज़रा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हमने ऑफर्स कैसे भेजने और कहाँ जो क्या उसको कहते हैं ऑर्डर कैसे लेना है। चलें ज़रा स्क्रीन पर, जी हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जी मैंने फाइवर का ये जो बाय रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है ये खोला हुआ है। बाय रिक्वेस्ट का फाइवर आपने ओपन किया है, स्विच टू सेलिंग पे किया, उसके बाद यहाँ मोर बाय रिक्वेस्ट ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपकी बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो हो रही होती हैं। कौन कौन सी शो हो रही होती हैं? एक तो एक्टिव जो आपको जिन पे आप भेज सकते हैं, बिड कर सकते हैं, दूसरी होती है सेंट ऑफर्स जो आपने सेंड की हुई होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम इसको सेंड ऑफर्स में जाके, सेंड ऑफर्स में से हम देख सकते हैं क्लाइंट जो है उसका नेम क्या है, ठीक है। अब ये जैसे इसको मैंने सेंड किया हुआ तो इसका है टैलेंट हंटर, ठीक है, 2202 उसका ये था, हेलो फॉर अ क्लाइंट, फॉर अ क्लाइंट आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर दैट कैन डू द फॉलोइंग फॉर अ न्यू स्कोर वेबसाइट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी आ रही होती हैं, यहाँ एक्टिव बाय रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, और ये लेवल वन पे, लेवल टू पे तो हर टाइम शो हो रही होती हैं डेट के हिसाब से, ये एक तारीख की हैं, इसके बाद जाके पीछे की अगर हम लोड मोर करते हैं तो अभी ये एक, फिर ये 30 अप्रैल, ठीक है, आगे पीछे पीछे उसकी शो होती जाएंगी। लेकिन जो न्यू आईडी होती है उसके लिए ज़ाहरी बात इतनी ज़्यादा शो नहीं होती हैं, मुख्तलिफ औकात में ही आ रही होती हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर, तो उसके लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे कि पहले बताया मैंने कि एक्टिव रहने के लिए आपको ये नहीं कि सिर्फ पेज खुला हुआ हो, आप इसको रिफ़्रेश करें एक चीज़, ठीक है, इसको आप रिफ़्रेश करते रहें, उसके बाद दूसरी चीज़ आप डेली सेंड करें 10 ऑफ़र्स, 10 ऑफ़र्स लेफ्ट टुडे, यानी कि 10 जो हैं फ्री वाली हमारी ऑफ़र्स हैं, हमें इस पर कोई चीज़ पे नहीं करनी पड़ती फाइबर को। तो कोशिश यही करनी है कि आप लोगों ने जो आपको लगे कि ये जो जॉब आई है मेरे रिलेटेड है, मेरे स्किल सेट के रिलेटेड है, उस पर बिड लाजमी करना है, ठीक है, लाजमी लाजमी करना। अगर किसी कुछ चीज़ समझ आ रही है तो आपने उस पर भी इसको करके उसको कह देना मुझे ट्रेनिंग दो, मैं आपको काम कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा आपने क्या करना होता है, ऑफ़र भेजने का तरीक़ाकार क्या है, सिंपल सा है, पहले ही मैं समझा चुका हूँ, एक दो और वीडियोस थी उनके अंदर भी मैंने समझाया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आपको ये जॉब पर समझ आई है, आई एम सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट टू सोल्डरिंग सोल्डरिंग ब्रोकन सोलर सेल्स टू आ कनेक्टेड सोल्डरिंग 36 सेल पैनल्स विदाउट फर्दर वर्क, यू विल गेट 5 kg फॉर फर्स्ट ट्राई फॉर 8 पैनल्स विद 36 फुल सेल्स सेंड ऑफर। यहाँ पे आपने अपनी गिग सेलेक्ट करनी है कि गिग आप कौन सी इसके रिलेटेड आपकी गिग है, या आप किस गिग को सिलेक्ट करके, ताकि क्लाइंट को जब जाएगी आपकी ऑफ़र तो उसको सारी गिग भी शो होगी, ठीक है। आप इसको क्लिक कर दिया गिग को, डिस्क्राइब योर ऑफ़र, यहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे ऑफ़र टोटल अमाउंट, यहाँ पर जितनी आप अमाउंट जो है वो उसको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, डिलीवरी टाइम, काम कितने दिनों में करके देंगे, हम 6 डेज़ का लगा रहे हैं जैसे, यानी कि आपको जिस फील्ड में आप उस हिसाब से करेंगे ना, ठीक है। अगर रिविजन आप करके देना चाह रहे हैं तो उसका आप ऐड कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है, आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स, अगर आप कहते हैं कि गिग जो है रिक्वायरमेंट आए तो उसके लिए, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिफाइन द अदर ऑफर स्कोप, अगर आपने ये भी करना है, आवर्स ऑफ वर्क आप अगर ऐड करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग अप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, चीज़ें यहाँ पे ऐड करके डिस्क्राइब ऑफर, यहाँ आप थोड़ा सा अपना डिस्क्राइब करेंगे ऑफर को कि आप काम किस तरह से करके देंगे, अपनी थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ के बारे में उनको बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद सबमिट ऑफर पे जो वो क्लिक कर देंगे। ये फिलहाल नहीं जाएगा क्योंकि इसमें कोई चीज़ मैंने लिखी नहीं है, सबमिट ऑफर करने के बाद ऑफ़र सबमिट हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। ऑफ़र अमाउंट, डिलीवरी टाइम ये अगर आप लगाना चाहें, आवर्स ऑफ वर्क अगर लगाना चाहें, जैसे आपने सेटिंग की हुई अपनी गिग की, ठीक है, ये चीज़ें तो मस्ट है ना, ये दो तो आप लगाएंगे, और अपनी ऑफ़र को डिस्क्राइब करने के बाद आप इसको ऑफ़र सेंड कर दें। कोशिश करें 10 की 10 भेजें, लाजमी भेजें, ठीक है, और एक्टिव रहने के लिए इसको रिफ़्रेश करने के साथ साथ यहाँ ऑफ़र्स भी भेजें। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, यहाँ फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, उन पर पेजेस पे जाके अपनी ऑडियंस जो है उसको सर्च करके हैशटैग्स के ज़रिए, और उनको वहाँ पे बेशक डायरेक्ट मैसेजेस वगैरह भी करें, ना लिंक पोस्ट ज़्यादा ना करें लेकिन पोस्ट बना लें फोटो टाइप और वो सेंड किया करें, ठीक है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, और उम्मीद है
कि आपको इधर से ऑर्डर्स भी मिलते रहेंगे। ऑर्डर्स मिलने का तरीकेकार तो यही है, आप इधर से बहुत सिंपल जो है अपने ऑर्डर्स जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते रहें तभी आपकी गिग्स भी रैंक पर रहती हैं, अगर आप एक्टिव रहते हैं इस तरह से, यानी कि ऑफर्स भेजते रहें तो, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी काफ़ी वीडियो के अंदर को, और बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।